योग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो कॉमन प्रोटोकॉल है उसका आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना दोहराएंगे। गहरी सांस लेना है। शरीर हिलेगा नहीं, सिर्फ गर्दन हिलानी है।
बाजू विपरीत दिशा से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वापस गर्दन को लचीला बनाने में और ध्यान एकाग्र करने में यह अभ्यास बहुत ही सहायक है। अगला अभ्यास करेंगे हम चालन क्रियाओं का, कंधों के चालन क्रियाओं का अभ्यास। सीधा खड़ा रहना है और सांस को गहरी सांस लेते हुए आपको हाथों को हथेलियों को आकाश की ओर ले जाना है। सांस गहरी सांस अंदर सांस को छोड़ते हुए वापस अब शोल्डर रोटेशन करना है, कंधों को चालन करना है, कंध चालन की क्रिया के लिए अब हम दोनों कोनियों को आपस में मिला लेंगे और गहरी सांस लेते हुए गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा से आराम से रिलैक्सेशन करेंगे। अगला अभ्यास हम अब करेंगे कटी चालन। कटी चालन क्रिया के लिए दोनों हथेलियों को कंधों के समान लेना है और सांस को छोड़ते हुए पूरी कमर को गोलाकार घुमा देना है और हथेली अपनी शोल्डर को लगाना है और अपनी आंखों को मध्य उंगली की ओर देखना है। श्वास को लेते हुए वापस फिर से विपरीत दिशा से हथेली की ओर ध्यान रहेगा। कमर को पूरा लचीला बनाना है, जिनको कमर में दर्द होगा वो आराम से यह अभ्यास करेंगे। वापस रिलैक्स। अब हम नी मूवमेंट ने घुटनों को चालन करने के लिए अभ्यास करेंगे। दोनों हथेली हमारी सीधे खांडे अपने शोल्डर के समांतर आएंगे और कुर्सी के आसन में हम उस स्थिति को महसूस करेंगे। सांस को लेते हुए आराम से श्वास को छोड़ते हुए वापस अब हम आसन की ओर बढ़ेंगे। हर एक आसन का अभ्यास हम एक एक बार करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हमें बनाना नहीं है। सबको देखने के लिए हमें छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन ताड़ का पेड़ है। दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे, पैरों में 3 से 4 इंच का फासला, लंबी गहरी सांस अंदर सांस को छोड़ते हुए हम वापस आएंगे। अगला अभ्यास है वृक्षासन, पेड़ की आकृति, ट्री की पोस्चर में। अब हम दाहिने पैर के ऊपर हमने बाया पैर रख दिया है और जांघा पे पूरा पंजा बाया पैर का पंजा रहेगा। शरीर पूरा सीधा और हमें उस स्थिति को आसन में बने रहने की प्रयास करना है। आराम से वापस आइए। उसी अभ्यास को हम विपरीत दिशा से दोहराएंगे। अब बाएं पैर के ऊपर जांघा पर हमारा दाहिने पैर का पंजा आएगा और सांस
को भरते हुए हम हथेलियों को आकाश की ओर लेंगे, सांस को भरते हुए आसन में बने रहने का प्रयास करना है। स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें आसन को हमने हम करेंगे उस आसन को हम थोड़ी देर रुके रहने का प्रयास करना है। 30 सेकंड तक के लिए हम रुक पाए, 30 सेकंड या 1 मिनट, तो हमें पूरा लाभ उस आसन का मिलता है। वापस अगला अभ्यास हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हमें दोनों हथेलियों को अपनी हिप्स की ओर, अपने पिंडली की ओर स्पर्श करना है और सांस को लेते हुए फेफड़ों में गहरी सांस जाएगी। यह अभ्यास फेफड़ों के लिए बहुत ही कारगर है। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, अर्ध चक्रासन। अगला अभ्यास हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और माथा हमारा घुटनों पर रहेगा। सांस को लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। पादहस्तासन, पादहस्तासन के बाद हम करेंगे अब त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए हमें पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर लेना है और दोनों हथेलियों को सीधा कंधों के समांतर, सांस को भरते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे दाहिने दिशा में और बाईं हथेली के पंजे की मध्य उंगली में हम अपना ध्यान निकाल करेंगे। इस तरह सांस को छोड़ते हुए वापस, यह अभ्यास विपरीत दिशा से हमें दोहराना है। कमर को लचीला बनाने में यह अभ्यास बहुत ही सहायक है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, अब हम बैठ कर किए जाने वाले आसन को कहेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले हम दंडासन में आएंगे। दंडासन के लिए दोनों हथेलियों को हम अपने हिप्स के करीब लाएंगे और पैर समान सीधे। अब हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए हमें दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, दोनों हथेलियों को मिलाना है इस तरह, और इस अवस्था में हमें आना है। आंखें बंद रहेगी, गहरी सांस लेना छोड़ना मन को एकाग्र बनाने में बहुत सहायता है इस आसन की। भद्रासन 30 से 40 सेकंड तक हमें इस स्थिति में रुकना है। अगला अभ्यास आज अब हम करेंगे, पहले दंडासन की अवस्था में आएंगे, फिर हम करने जा रहे हैं वज्रासन। वज्रासन के लिए अब हम इस तरह टखने को टखना, दोनों इंद्रियों के बीच हमारे आएंगे, दोनों हथेलियां सीधे, मन को सीधा करना है,
सांस लेना है, छोड़ना है, गैस कब्ज के लिए बहुत ही सहायक है यह वज्रासन। वज्रासन ये जो कैप्सूल है, ये वज्रासन, शशकासन, अर्धउष्टासन, उष्टासन, ये पूरा कैप्सूल एक साथ हमें आराम आराम से करना है, एक एक आसन का अभ्यास। अगला आसन अब हम करेंगे अर्धउष्टासन। अर्धउष्टासन के लिए इस पोस्ट में आना है, सांस को लेते हुए सांस को छोड़ते हुए वापस फेफड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी है यह आसन। अभी पूर्णोष्टासन, अपने दोनों हथेलियों को इस तरह पकड़ लेना है, पैरों के टुकड़ों को दोनों पैरों के एक एक ओर पकड़ लिया, सांस लिया है लंबी सांस, और कुछ समय हम उस पोस्ट में रहेंगे। आराम से वापस आएंगे, यह उष्टासन का अभ्यास हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मन में कोई भी तनाव नहीं रखना है। अभी अगला अभ्यास है उत्तान मंडुकासन। उत्तान मंडुकासन के लिए हमें पैरों में अंतर रखना है और दोनों हथेलियों के इस विपरीत दिशा को हमने कंधों को स्पर्श करना है। इस तरह लंबी गहरी सांस उस अवस्था में हमें कुछ देर रुकना है, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। उत्तान मंडुकासन अगला अभ्यास हम करेंगे शशकासन। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को छोड़ते हुए बाहर, आगे की ओर झुकेंगे, माथा जमीन पर लगेगा, सांस को लेते हुए वापस आएंगे। शशकासन के बाद अब हम करेंगे वक्रासन। दंडासन की अवस्था में हमें आना है और हमारा दाहिना पैर ऊपर आएगा और दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटनों को हमें पकड़ना है, सांस को छोड़ना है और आसन में बने रहने का प्रयास करना है। सांस लेते हुए वापस, यही अभ्यास विपरीत दिशा से हमें करना है। बाया हाथ पीछे, बाएं पैर को दाहिने पैर के चंगा पर लाना है और दाहिना हाथ दाहिने पैर की घुटने को पकड़ना है, साथ छोड़ना है। यह दंडासन। तभी हम पेट के बल किए जाने वाले अभ्यास करेंगे।
सबसे पहले हम मकर आसन करेंगे। मकर आसन कमर के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। सांस लेना छोड़ना पूरा ध्यान कमर की ओर रहेगा। फिर विश्राम अवस्था में अगला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने छाती के समान दोनों हाथों को बुलाना है और सांस लेते हुए अपना नाभि के ऊपर का हिस्सा उठेगा। आसन में बने रहने का प्रयास करना है। सांस को छोड़ते हुए वापस आराम स्थिति में अगला अभ्यास शर्वासन। शर्वासन के लिए दोनों हथेलियों के पत्तियों को अपने जंघा के नीचे दोनों पैरों के जंघा के नीचे आएंगे और एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। सांस लेना है, घुटने मोड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे रहेंगे। आसन में बने रहने का प्रयास करना है। सांस छोड़ते वापस दूसरे पैर को अब दोनों पैर एक साथ लेना है। आसन में बने रहने का प्रयास करना और आराम से वापस कमर के लिए पीठ के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। अभी हम अगला अभ्यास करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यास। दोनों अतिथि के पंजे हमारे सीधे रहेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उत्तान आदासन। मेरी सांस लेना है और पैरों को आधे से एक फीट के अंतर से उठाना है और आसन में उन्हें रहने का प्रयास करना है। सांसों पर नियंत्रण रहेगा। हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है, नाभि के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है उत्तान पादासन। सांस छोड़ते हुए वापस अभी हम अगला अभ्यास करेंगे अर्धहलासन। सांस को लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाइए। आसन में बने रहने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए वापस हम अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को हम दोनों हथेलियों से पकड़ेंगे और कमर को ऊपर की ओर हो सके हमें कमर को उतना ऊपर उठाना है। आसन में बने रहने का प्रयास करना है।
शत्रुघ्न आसन का और एक अभ्यास करेंगे। शवासन की पोस्टर में जाके शरीर को आराम से लेना है। शरीर अपना पूरा शिथिल हो चुका है, मन पर कोई भी तनाव नहीं, कोई भी तनाव नहीं। अभी हम अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। सांस को पूरा छोड़ना है, दोनों हथेलियों के पंजों को आपस में मिलाना है, पैरों को आपस में मिलाना है और इस पोस्ट में आसन में बने रहना है। थोड़ी देर शवासन का अभ्यास करेंगे। शरीर अपने हथेलियाँ आकाश की ओर पूर्णतः शरीर को शिथिल अवस्था में महसूस करना है, मन पर कोई तनाव नहीं। उस ब्रह्म को हमें पहचानना है जिस तरह बालक अपनी माता की गोद में आराम से सो जाता है, उसी तरह हम खुद को उस ब्रह्म की गोद में, उस परम पिता परमेश्वर की गोद में हम आराम से सो रहे हैं। इस भाव को हमें अंदर मन में जागृत करना है। शरीर पर कोई भी तनाव नहीं, मन पर कोई भी भय नहीं, पूरा हमारा हृदय स्वस्थ हो चुका है, मन में कोई भी तनाव नहीं। हथेलियाँ मन पूरा शिथिल हो चुका है और फिर अब हम आराम से अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। बाई करवट को लेकर हम बैठेंगे। अगला अभ्यास कपाल भाती। प्राणायाम का जो राजा है कपाल भाती, उसके लिए हम तैयार होंगे। मन पर कोई भी तनाव नहीं। कपाल भाती के तीन तीन अभ्यास हम दोहरा देते हैं। अभी हम एक ही अभ्यास दौड़ेंगे 30 बार, 1 सेकंड में 1 बार। शरीर के पेट के संबंधी, शरीर के संबंधी कोई भी विकार इस कपाल भाती से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कपाल भाती को प्राणायाम का राजा कहा जाता है। अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट नोस्टर को हम राइट हैंड से बंद करेंगे और जेब से लेंगे दाहिना हाथ, दाहिने नाक के साथ नासिका को बंद और जेब से अब श्वास लेना है। आराम से अभी हम सांस को छोड़ देंगे।
लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। सांस को छोड़ते हुए अगर रुकना है डालने की दिशा से लेफ्ट साइड से आराम से कपालभाति के 30-30 स्ट्रोक के 3 राउंड अनुलोम विलोम के 3 राउंड लेना है। और अगला अभ्यास आप हम करेंगे छीतरी प्राणायाम। जीवाओं को काकी अवस्था में हम बताएंगे इस तरह सांस को छोड़ते हुए शीतली प्राणायाम का दूसरा प्रकार आप हम करेंगे। दोनों दांतों को एक दूसरे को टच करते हुए जीवा को और दांतों को स्पर्श करते हुए सांस लेंगे। लेफ्ट से श्वास छोड़ना है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रमर के बारे में। ओम का नाद करेंगे, दोनों कान बंद रहेंगे, पहले होगी माथे पर रहेगी और शेष होगी हम आंखों के करीब आएंगे। कान पूरे मन पहली सांस मां कश्य दुःखा भवे